Now Sri Chowdhury Manwar Salim. Already one man spoken. Now the order. Sabhapati Mahoday. आज इस महत्वपूर्ण मौके पर मेरे दल के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया और आपने दोनों का शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, अगर सेकंड राउंड ये सरकार का विजन डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। अब से पहले बादशाह वक्त नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव में आए थे तो ये वायदा किया था, सरहदें सुरक्षित रहेंगी, दुश्मन से आंख मिला के बात होगी, हर 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, हर खेत को पानी दिया जाएगा और मुल्क में अमन और शांति होगी, मुल्क में समृद्धि और विकास होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पहले वाला वायदा पूरा हो गया होता तो आज का ये वायदा सुनहरा भी मान लिया जाए तो इस पे यकीन किया जा सकता था, लेकिन जब पहले किया गया वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ और उसका तस्करा भी समाप्त हो गया तो इस वायदे के ऊपर कौन यकीन करता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस डॉक्यूमेंट में जो राष्ट्रपति जी ने पेश किया है सरकार की तरफ से, माफ कीजिए जरा रुक जाइए भाई, आप तो को बहुत वक्त मिलता है, हम लोगों को थोड़ा वक्त मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सरकार की तरफ से राष्ट्रपति जी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, इस डॉक्यूमेंट में किसान को केंद्रित किया गया है, नौजवान को केंद्रित किया गया है, ये जरूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब सब अपने बिस्तरों में आराम से सो रहे होते हैं तो मेरे देश का किसान खेत के अंदर खड़ा होकर जाड़ों में पानी देता है, जब सब आराम से एयर कंडीशन में बैठे होते हैं तो मेरे देश का किसान लू और लपट में अपनी खेती को, अपनी कटाई को पूरा करा रहा होता है। तो आज करहाता हुआ किसान है, उसको इन्होंने केंद्र बनाया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिसाल से, चूंकि समय कम है, कहना चाहता हूं 7,296 करोड़ 100 स्मार्ट शहर बसाने के लिए दिए गए हैं। माननीय सरकार के लोग यहां बैठे हैं और हर खेत को पानी के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये एक मिसाल से मैं साबित कर सकता हूं कि किसान को उन्नत बनाने का नारा सिर्फ नारा है, उसके अंदर यथार्थ कुछ नहीं है। और ये सरकार शहर और गांव के बीच ऐसी वैमनस्यता पैदा करना चाहती है जिसके परिणाम आने वाले वक्त में बहुत खराब होंगे। नौजवान की बात की गई है उपाध्यक्ष महोदय, नौजवान की बात की गई है, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी। इस देश में 12 करोड़ नौजवान करहा रहे हैं और इस देश की तरुणाई ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक, जब हमें इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना था, एक रोटी का सवाल लेके मुल्क की सरकारें बदली हैं। इस देश का नौजवान इतना स्वाभिमानी और संघर्षशील है, लेकिन उस नौजवान को इन्होंने टारगेट किया है और उससे कहा है सारा इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, खूबसूरत इंडिया बना रहे हैं, शाइनिंग इंडिया बना रहे हैं। करहाते हुए नौजवान को रोजगार देने का इसके अंदर कोई तरीका उन्होंने नहीं बताया है, सिर्फ नारा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल है उस माहौल में एक बात छोड़ दी है, ये सरकार की तंग दिली है, और बात ये छोड़ दी है कि इस देश में किसान, नौजवान और मुसलमान, जिसके लिए जस्टिस सच्चर ने लिखा कि इनकी तालीमी हालत, इनकी आर्थिक हालत, इनकी सामाजिक हालत दलितों से भी बदतर है। भारत माँ तब स्वस्थ दिखाई देगी जब उनका हर अंग स्वस्थ दिखाई देगा। अगर कोई अंग कमजोर रह जाएगा तो भारत माँ स्वस्थ दिखाई नहीं देंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसमें उन्होंने मुसलमान को छोड़ दिया, बस यही तंग दिली एक सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, ये तंग दिली एक सवाल है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, हमसे कह दिया जाता है, अभी हमारे साथी चले गए, वो आजम खान साहब की बात बता रहे थे जो जिन्होंने गौ हत्या के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की, कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, गौशाला मथुरा के अंदर बनवाई, जिन्होंने सफल कुंभ कराया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शेयर करने के लिए बुलाया उन्हें और अखिलेश जी को, दोनों को। मैं कहना चाहता हूं उन्होंने नहीं की,
क्या उन्होंने नहीं, उन्होंने उन लोगों की बात नहीं की जो जामा मस्जिद के किनारे रहते हैं चूंकि वो उनके लोग हैं। उन्होंने हैदराबाद की बिरयानी की बात नहीं की चूंकि उनकी बात से उन्हें लाभ मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तंगदिली को मैं कहना चाहता हूँ, हमें रोज पाकिस्तान भेज दिया जाता है हमारे लोगों को, लेकिन जब प्रोटोकॉल के विपरीत माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए उपाध्यक्ष महोदय, तो देश के 20 करोड़ नौजवान मुसलमान आंखों से देख रहे थे, इस खुली आंखों से देखे, पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा होता, एक समरसता का, इसमें समरसता की बात कही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डॉक्यूमेंट है इसमें समरसता की बात कही है। मजाक लगता है समरसता समरसता शब्द जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार समरसता की बात करती है। उपाध्यक्ष जी, इस देश के अंदर 7.5 लाख गांव हैं, 62% प्यासे हैं। इस देश में पीने के पानी के लिए जो योजना दी है इन्होंने 5000 करोड़ की दी है। 7.5 करोड़ लोग, मेरे खुद के जवाब में 7.5 करोड़ लोग देहात में आर्सेनिक पीने से बीमार हैं पेट के, उन्हें साफ पानी की जरूरत है, हर साल मर जाते हैं 96,000 लोग। ये मेरे सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान की बात की गई है, किसान समृद्ध बनेगा कैसे? दुगना किसान समृद्ध बनेगा डॉक्टर लोहिया की दाम बांधो नीति से, किसान समृद्ध बनेगा मुलायम सिंह यादव की दाम बांधो नीति से। उपाध्यक्ष जी, इसके अंदर नहीं कहा गया आलू लेंगे 2 रुपए किलो और चिप्स बेचेंगे 2000 रुपए किलो, मक्का लेंगे 1000 रुपए कुंटल और कॉर्नफ्लेक्स बेचेंगे 10000 रुपए कुंटल। किसान की आमदनी और खरीदारी के बीच जब तक कोई तकमीना कायम नहीं होगा, जब तक कोई मवाजना करके उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनेगी, कभी किसान संपन्न नहीं हो सकता। अगर किसान नारों से संपन्न हुआ करता तो बहुत बड़े आदमी थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, लेकिन सिर्फ नारा ही रह गया। और किसान ने इस एक साल में 3,326 किसानों ने खुदकशी की है, ये सरकार ने कहा है, ये मैं नहीं कहता। तो उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार का विजन डॉक्यूमेंट अधूरा है, सरकार का विजन डॉक्यूमेंट मिथ्या प्रतीत होता है, और इसलिए मिथ्या प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी करनी में एकता नहीं है। सरकार के लोग मेरे जैसे आदमी के खिलाफ जो खड़े हो गए अपने शहर विदिशा में, मध्य प्रदेश में हिंदुओं से मंदिर मस्जिद और मुसलमानों से मंदिर बनवाता है, वहाँ RSS के लोग नारा लगाते हैं जो कटुए काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। मैंने CD पेश की है सरकार के लोगों को, गृह मंत्री जी को CD दी है, अगर ये नारे लगेंगे तो सरकार ये सरकार क्या मैसेज देना चाहती है दुनिया में? तुम जाके दुबई के अंदर मस्जिद देखोगे तो एका नहीं बनेगा, तुम जाके सऊदी के राजा के दरवाजे पे इंतज़ार करोगे उसकी बैठक में बैठ के उसका, तो मामला नहीं बनेगा, तुम जाके नवाज शरीफ की माँ के पैर पड़ोगे तो मामला नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग, उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिगेडियर उस्मान से कहा जब जिना ने कि तुम आओ पाकिस्तान, हम तुम्हें यहाँ का जनरल बनाएंगे, ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि मैं ब्रिगेडियर के ओहदे पर रहते हुए मर जाऊंगा लेकिन तेरे पाकिस्तान नहीं आऊंगा। वो पाकिस्तान जो हमारी नफरत के बिना पे बना है, हमसे कहते हो पाकिस्तानी, हमारी नफरत के बिना पे बना है। आज भी पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान अहमद पटेल और मुनव्वर सलीम को और गुलाम नबी आज़ाद को कहता है कि गद्दार हैं ये लोग, ये इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। आज भी हमें गाली देता है, जो हमारी नफरत की बुनियाद पे बना है उस मुल्क के अंदर जाके उनकी माओं के पैर पड़ोगे और तुम्हारे राज में हमारी बहनें बेवा हो जाएंगी, उनके सर पे हाथ नहीं रखोगे, मुल्क में इत्तेहाद कायम नहीं होगा, यथार्थ के आईने में जाना होगा। देश करा रहा है, सामाजिक समरसता सिर्फ मजाक बन के रह गई है, देश करा रहा है। उपाध्यक्ष जी, ये इन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत करेंगे, मुझे याद है जनसत्ता ने लिखा जिस दिन चीन का प्रधानमंत्री गुजरात आया और हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ फैला के इस्तकबाल किया, उस दिन जनसत्ता ने एक खबर छापी और खबर ये छापी कि चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान के मजदूरों को लातों से मारा जो आज तक नहीं हुआ था, और हम प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क में अमन की फ़जाएँ कायम करो, सब दल तुम्हारा साथ देंगे, तुम मुल्क में अमन की फ़जाएँ कायम करो, सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अभी तुम गांधी
अभी तुम्हारा okay. अभी तुम्हारा सबका साथ सबका विकास का नारा अधूरा है। और आखिर में ये कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष जी, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। इस देश के अंदर 43 करोड़ लोग 32 रुपए रोज पे जीवन यापन करते हैं। इस देश में 66 करोड़ लोग एक कमरे के मकान में रहते हैं। तुम्हें उनके बारे में सोचना होगा, तभी तुम मुल्क को डिजिटल इंडिया बना सकते हो। वरना तुम्हारा पहले का जो डॉक्यूमेंट है उसने राजनीतिक जगत में नेताओं की विश्वसनीयता कम कर दी है। मैं दुआ करता हूँ ये इस डॉक्यूमेंट में कमी सही, लेकिन जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करो। और इसमें एक बात कही गई है अल्पसंख्यकों की पढ़ाई के लिए, उपाध्यक्ष जी ये दर्द है हमारा, सुन लीजिए। इसमें मदरसों की पढ़ाई के लिए बात की गई है। उपाध्यक्ष जी मदरसे क्या हैं? मदरसों को कहते हैं कि ये मजहबी तालीम का इदारा है। राजा राम मोहन राय सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मदरसे से पास आउट था। ये दरो दीवार गवा रहे हैं, ये खादिम कह रहा है ये बात। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पास आउट था। ये दरो दीवार गवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात। मदरसों को तुम दोगे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिटा दोगे, तुम जामिया को मिटा दोगे, रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मिटा दोगे और मदरसों को कुछ अनुदान देने की बात करोगे। अरे अरे ईमानदारी से तालीम के बारे में सोचो। इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है तालीम में। तुम उसे अगर संपन्न बनाओगे और तालीम से आरास्ता कर दोगे तो तुम्हारा मुल्क, हमारा मुल्क, सबका विकास, सबका साथ, ये ख्वाब पूरा हो जाएगा। आपने मुझे वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाउ थैंक